अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। अच्छा दोस्तों, ज़रा बताता चलें कि वीडियो और आवाज़ की क्वालिटी कैसी है। ज़रा दोस्तों से गुजारिश है, ज़रा मैसेज कर दें कि आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी कैसी है। इधर आसमान इधर आओ, तो बात छोड़ दो भाई। नंबर लाइव नहीं, पहले लाइव लाइव। अच्छा अस्सलाम वालेकुम साहब। मैं एक पकड़ मैं जरा करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मलक अदीम दोस्तों अपने लाइव सेगमेंट कबूतरों की पहचान के साथ आज दोस्तों हस्बे वादा जनाब पंजाब की नामवर शख्सियत माशाल्लाह जनाब उस्ताद सज्जाद असलम बड़ाई साहब उनके डेरे से आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हैं। जी दोस्तों, मैं अपने चाहने वाले प्यार करने वाले और बैरून मुल्क मुकीम हजरात शौकीन हजरात तमाम दोस्तों और उस्ताद अकराम की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। तो आज माशाल्लाह दोस्तों मेरी खुशकिस्मत ही है कि आज माशाल्लाह जी मैं सज्जाद भाई के डेरे से आज पहली दफ़ा लाइव हो रहा हूँ। तो मेरे साथ उस्ताद सज्जाद साहब भी मौजूद है माशाल्लाह जी दोस्तों। नेचर की बात करें तो उस्तादों वाली बात नहीं, भाइयों वाली बात है माशाल्लाह। बड़ा मजा आया दोस्तों आज गपशप करके, तो बाकी आपके साथ भी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है जी? सेहत भी ठीक है? उस्मान आगे आ गया। आप पहले साहब दोस्तों को बता दूं कि जनाब आपका लहजा और आपका बैठना दिन गुजारना मीडिया वालों से तो बंदा घबरा के रहता है, कुछ सवाल उठाएंगे। आपने वैसे भी दोस्ती में दिन गुजारा है माशाल्लाह। सज्जाद भाई माशाल्लाह बड़ी बड़ी जगहों पे भी हैं माशाल्लाह, जो आपका रवैया माशाल्लाह भाइयों जैसा माशाल्लाह बड़ा पसंद आया। दोस्तों आज मेरी पहली मुलाकात है, मेरी लाइफ में पहली मुलाकात, और माशाल्लाह इस तरह लग रहा है कि जैसे जिंदगी में पता नहीं कितने पुराने हम दोस्त हैं भाई हैं माशाल्लाह। जी सज्जाद भाई, मेरा ख्याल है कि मैं पहला आदमी हूं कि जिसने आपके डेरे से लाइव चलाया है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। बस टाइम भी नहीं होता, मैं ज्यादा उधर रहता हूँ तो अच्छा सज्जाद भाई माशाल्लाह कबूतरबाजी कब से कर रहे हैं? ये तो ब्रदर 6-7 क्लास में पढ़ता था उस वक्त से। अच्छा, हाँ जी, 6-7 क्लास से आपके माशाल्लाह। इक्के पे कैसे शौक आपको पड़ गया ये वाला शौक? हकीकत तो बात ये है कि वो कहते हैं ना, वो एक ब्लड रिलेशन आ रहा होता है। मेरे वालिद साहब जो पुलिस में रिटायरमेंट हुए हैं, उन्होंने भी बचपन में कबूतर रखे हुए थे। अच्छा माशाल्लाह, उन्होंने भी बचपन में? अच्छा माशाल्लाह। जब पुलिस में गए तो बाद में उन्होंने कबूतर छोड़े। सही, तो अपनी फैमिली में बाद में मुझे शौक पड़ा। अच्छा ये सेटअप बनाना नीचे, मैं आगे भी आपसे सवाल किया था। ये देखें दोस्तों, ये जमीन के ऊपर है हवेली डेरा इनका, वहाँ पे ये पीछे बिल्डिंग्स भी देख सकते हैं आप। ये सवाल मैं आगे कर रहा था कि अभी भी करता हूँ जी। सादे मोहतरम, नीचे क्या बनाने का ये आपने जो सोचा है? हाँ सोचा, ये भाई मजबूरी है कि शौक बड़ा खूबसूरत है। हाँ, उनके लिए जो इस शौक को जानते हैं या इस शौक से रिलेटेड है, सही, ये उन लोगों के लिए बदसूरत शौक है जो इस शौक को जानते नहीं है और इस शौक से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए छत के ऊपर बैठना थोड़ा सारा हमारे मुआशरे में हमारे कल्चर में थोड़ा मुअज्जब भी नहीं समझा जाता। तो जब छत पे कबूतर हूँ तो जगह तो बना के भी बैठनी पड़ती है, चलना भी पड़ता है साइडों पे जब देखे। हाँ, इसके लिए डेरा बेस्ट है,
डेरा ना हो तो हम इधर शहर में, ये टाउन है तो ये हवेली है नीचे। कबूतरों को कोई मसला नहीं बनता, ज्यादा मसला होता है कि बंदा यहाँ पे आता है तो इजी फील करे, चले फिरे, शौक करे, ये ना हो कि दुनिया देख रही हो। सही, क्योंकि खुद शौक कर रहे हैं आपसे कोई डिस्टर्ब भी ना हो। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कबूतरों को बैठने में दिक्कत वगैरह तो नहीं होती क्या? नहीं नहीं नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि नीचे कबूतर नहीं। कबूतर को तो जिस जगह पे भी लगाएं लग जाते हैं। अच्छा, हाँ जी लग जाते हैं। नहीं, अंधेरे में को होता ही ना, कोई बिल्डिंग के पीछे चला में लाइटें अच्छी हो तो यहाँ पे तो अंधेरे में। आज आप इधर हैं, बच्ची अभी ऊपर उड़ रहे हैं। हाँ जी, ये ऊपर है, ये तो दोस्तों आते हैं तो आप देखना अंधेरे में ये नीचे बैठे तीन है, ये एक तीन है बिल्कुल, एक ये सामने दोस्तों, दो इसके ऊपर है, ये सुबह के उड़े हुए आज पक्की फिरते हैं ऊपर ही है ये बिल्कुल इसी तरह। अभी ये बैठेंगे तो अंधेरे में बैठते हैं, ये बड़े इजी बैठते हैं, बल्कि आके यहाँ पे सामने उड़ते रहते हैं क्योंकि लाइटिंग को उधर से लेके एंड तक ये सही सही ज्यादा सही। अच्छा, यहाँ पे कबूतर बनाने में मुश्किल वगैरह तो नहीं, यानी कि आसपास कबूतरबाज के बड़ा आसानी है, लकड़बीरी वगैरह से बचे हुए हैं? हाँ, ये तो मिलता है कि किसी जगह पे भी जब मौसम होता है तो लकड़बीरी ने अपना काम दिखाना होता है। सही, उसका अपना शिकार होता है। सही, तो जो लोग लकड़बीरी से डरते कबूतरों को बचाते हैं वो कभी जीत नहीं पाते। अच्छा, ये एक ऐसा इम्तिहान होता है कि कबूतरों की पूरी शहादत होती है उस वक्त, बच के आएगा वो ही बहादुर होगा। सही, बिठाने से बंदा जीत नहीं सकता। सही। अच्छा सज्जाद भाई, माशाल्लाह आप ज्यादा तो टाइम आपका इटली में गुजारते हैं आप, यहाँ पे कबूतरों को कैसे देखते हैं? माशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि आप वनडे भी कोई छोड़ते हो। अच्छा, ये जो ना छोड़ने वाली चीज है, ये हकीकत बात ये है कि मुझे सिर्फ शौक इस हद तक है कि मैं समझता हूँ कि कल अगर मैं लोगों से कहता हूँ ना कि टूर्नामेंट्स की तरफ आए, अगर मैं खुद टूर्नामेंट में पार्टिसिपेंट ना करूंगा तो लोगों को टूर्नामेंट की तरफ मदऊ कैसे करूंगा। सही, मेरी हकीकत बात यह है, ख्वाहिश है कि खुदा रा सारे सुन रहे हैं, बेशक थोड़ा लेट से ही, जज्बाती होने की जरूरत नहीं, लेकिन इस वन टू वन मुकाबलों से पीछे हटें क्योंकि इससे और कुछ हो ना हो, आपस में अदावत जरूर होती है। जो भी हमारे प्लेयर कहते हैं ना कि हमारा हमारे हरीफ के साथ बड़ा अच्छा तल्लक है, बड़ा अच्छा रिश्ता है, सबसे बड़ा झूठ हम ये बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे कबूतर परवरी में 15 साल से शौक कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी लास्ट 12-13 साल से मैं शौक कर रहा हूँ। मेरी छत पंजाब के सब टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेती है। सही। और वन डे में हिस्सा लेती है, लेकिन मैंने क्या देखा है, वन टू वन मुकाबलों में इतना प्यार करने वाला दोस्त हो जिसके साथ वन टू वन मुकाबले हो, तो यहाँ पे तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि उसके साथ जो बैठे वो हमसे नहीं है। अच्छा, तो ये चीजें जो है ना हमसे नहीं है, कबूतर पर्वत सब एक दूसरे से हो तो तब ये शौक अच्छा बनेगा। सही। जब टूर्नामेंट्स में जिनका मन नहीं भरता वो मुझसे बात करे, मैं बड़े से बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करूंगा, ऐलान करता हूँ, पार्टिसिपेंट अपनी तरफ से, हम पहले भी 10 साल से पूरा पंजाब गवाया कि हर तरह का तामन करते हैं मैक्सिमम, ये नहीं कि अपना नाम रेपुटेशन बनाने के लिए। वहां भी क्लब है, यूरोप में भी, वहां भी यही शौक है और यहाँ पे भी कबूतरों का अगर शौक है तो कबूतर परवरों को दिल करता है मैक्सिमम सपोर्ट करूं। लेकिन ये वन टू वन मुकाबलों से पीछे हटें, 5,000 वाली एंट्री से लेके 5 लाख तक एंट्री तक टूर्नामेंट हो, जिस तरह की किसी की कैपेसिटी हो उस तरह का प्लेयर हिस्सा ले। सही। लेकिन इसमें कमेटी अपने आप को चुदरा ना समझे कि जो कमेटी है जो वो कबूतर परवरी की माँ है, वो कबूतर परवरी का सरमाया है, वो कबूतर परवरी का लोगों को जो जिधर चाहे वैसा कर दे, नहीं, कमेटी वाले तो खादम होते हैं। सही। जैसे हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर जो हैं, हम भी प्लेयर्स के खादम ही हैं, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं आओ खेलें। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने देखा कमेटी का सिस्टम जो होता है ना अक्सर ये माफिया सिस्टम बन जाता है। इसको मोहब्बत में लाएं, थोड़ा मेहरबानी करके इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो अपनी पार्टी का बंदा हो चाहे दूसरी पार्टी का बंदा हो, लेकिन इंसाफ होना चाहिए।
हर सूरत में इंसान, और जो कमेटी फिर कह दे, जो कमेटी फिर कह दे उस पर अमल करना चाहिए। ये नहीं कि आधे लोगों ने अमल कर लिया और एक इलाके में हमने अमल नहीं करना। तो जब किसी को चुनते हैं तो पहले सोचते हैं, जब किसी लीडर या किसी की बात नहीं मानी तो उसको चुना क्यों है? बिल्कुल सही बात, चुन लिया है तो फिर मानना पड़ेगा। बिल्कुल, तो फिर किस चीज की कमेटी हुई? जैसे पहले भी सियालकोट कमेटी, कुछ ऐसे फैसले हुए हैं कि लोगों को बाद में फैसलों पे कोई रोक नहीं सकता। फिर कमेटी किस बात की होती है? कमेटी को इस्तीफा देना चाहिए जिसकी बात नहीं मानी जाती। सही, जिस कमेटी की बात अव्वल और आखिर हो वो कमेटी होती है। सही, तो टूर्नामेंट 5000 से लेके मैक्सिमम तक जा सकते हैं, लेकिन युवा से पीछे आए। इस शौक में मोहब्बत रखें, मोहब्बत ही बढ़ेगी। भाईजान कबूतर हर बंदे ने आज के दौर में अच्छे रखे हुए हैं। बिल्कुल, जब भी आप मिलते हैं हम कबूतरों की बात करते हैं। बिल्कुल, इसी तरह मेरी ये नस्ल, मेरी वो नस्ल, हर एक की, वो कहते हैं ना कि किसी को भी हकारत की नजर से मत देख, हर चेहरा किसी न किसी का महबूब होता है। महबूब होता है। ये कबूतरों की एक ऐसी लाइन होती है कि बंदे को एक ना एक किसी ब्लड लाइन से अटैचमेंट हो गई है। ठीक हो गया। और जिसका जो होता है ना उससे वो बहुत प्यारा होता है। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो इसमें मेरे ख्याल में दूसरी तो बात ही नहीं रही। सही, माशाल्लाह, हर एक के अच्छे हैं। माशाल्लाह, अच्छा कर लें तो अपना इखलाक, वरना हमारी कबूतर परवरी वो दिन दूर नहीं कि बर्बाद हो जाएगी। सही, ये मैं यकीन से आज कह रहा हूँ। अगर युवा छोड़ के टूर्नामेंट्स में आ जाएं, एक दूसरे से दावत छोड़ दें, पार्टीज के साथ बिग टूर्नामेंट कर लें, लेकिन आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, अगर किसी को ये बात अच्छी ना लगे तो मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल बात करके जरूर एक दफा पूछ लेना। कुछ रिपोर्ट्स तो मुझे भी मिली हैं जो नेगेटिव असर अंदाज होने वाली है। इसलिए इसमें प्यार और आपस में यकजहती से, हमें तो एक स्ट्रांग एक होना चाहिए, जिस तरह वो एक बरादरी होती है कोई भी कबूतर परवरों को, एक प्लेटफॉर्म पे एक स्ट्रांग, एक यकजहती, एक जैसे कोई फेडरेशन होती है, एक होती है। यहाँ पे तो हम एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ और मैक्सिमम खिलाफ हो रहे हैं। सही, इसी तरह ये चीज छोड़ दें। ये चीज तब छूटेगी जब जुआ छूटेगा। सही, जब जुआ छोड़ेंगे तो ये चीज सामने आ जाएगी। सही, मोहब्बत ही मोहब्बत है इसमें, नफरत कहीं भी नहीं। ठीक है भाईयो, माशाल्लाह, कोई गलत बात हो गई हो ठीक है। अच्छा सादे मोहतरम, माशाल्लाह कबूतर आपके पास काफी हैं, किन कबूतरों पे आपने ज्यादा फोकस किया है? कबूतर यानी कि टैडी भी है, गोल्डन, माशाल्लाह सारे। के बात इश्क और मोहब्बत की। अच्छा, मेरे पास कबूतर जो अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, मेरे उस्ताद मोहतरम जिन्होंने मुझे कबूतर पहले, जिनके घर से मेरे पास कबूतर आए और मुझे कबूतरों का पता चला है, वो उनके मोछे वाले कबूतर हैं। अच्छा अच्छा। उस्ताद अबू बकर साहब के वालिद साहब, उस्ताद जोगी पहलवान साहब, ये उनके घर के मोछे वाले कबूतर हैं। ले जी माशाल्लाह। तो ये कबूतर जो हैं, इनके बगैर ना किसी में दिल लगा है और ना लगता है। ये पकड़ा, ये सादे मोहतरम प्योर फार्म में जी? नहीं, इनका ये लड़के ने उनके पट्टे पकड़ के ले लिया है, लेकिन हमारे पट्टे और बाप में कोई फर्क नहीं होता, एक ही चीज है, बिल्कुल सेम। नहीं माशाल्लाह, ये जी मोछे वाले की एज हो गई है तकरीबन मेरे पास 8 ईयर। ये पट्टा है, इसका बाप उधर अंदर है। अच्छा, इसका बाप भी आपके पास है? हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास जो है ये हैं मोछे वाले, या कोई ये साहब अबू बकर साहब के घर के कबूतर हैं, उनके वालिद साहब के लिए हुए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ले जी माशाल्लाह दोस्तों, इनको कोई जान जाए तो ये भी जान लेते हैं, वरना हमें भी जानने में जमाने लग रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। ले जी माशाल्लाह, क्योंकि मैं तो यहाँ पे होता नहीं हूँ, अगर यहाँ पे रहूँ कंटिन्यू कर तो बंदा जो उड़ाए उसको पता चलता है। अच्छा सादे मोहतरम, इन कबूतरों में क्या क्वालिटी आपने देखी है? मैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत दूंगा वफा को। इंसान में भी वफा ना हो तो क्वालिटीज लाख भी हो तो किसी काम की नहीं। सही, ये कुछ भी हो जाए तो मोछे वाले अपने घर को नहीं छोड़ते। वाह, किसी हालात में
जो भी हो इनके साथ ये घर नहीं छोड़ते, वफादार है, वफा की इंतहा देखी है इनमें। अच्छा अंधेरे का क्या इनका अंधेरे में है? जब मोछे वाला ऊपर होता है तो हम यकीन से कहते हैं कि यार ये जरूर आएगा। सही सही माशाल्लाह। और कोई एक परिंदा दे दो शौक करवाओ। ले जी माशाल्लाह जी, ये जी उस्ताद सज्जाद असलम बड़ाई साहब माशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन के माशाल्लाह जी, ये सेटअप है माशाल्लाह बड़ा यूनिक सेटअप है माशाल्लाह। ये पीछे आप बिल्डिंग भी देख रहे हैं आप। ये चेक करें माशाल्लाह। ये दोस्तों जो बच्चे हैं ये तैयारी में हैं, एक अभी तीन है सामने, काम तीन है, तीन है जी बिल्कुल सामने माशाल्लाह। अच्छा सादे मोहतरम ये तीन जो है, ये जो तीन है सामने, इनमें से कौन से कबूतर बच्चे बाजी में डलेंगे कि तीनों ही आएंगे? ये इसको पता है जो सच बात है। हाँ भाई जवान बैठेंगे, कितने बैठेंगे शाम को? अच्छा माशाल्लाह। एक मिनट, मैं आ नहीं सका वेली में। ये आप भी इधर आए हैं तो आपने देखा आप लोग वेट करते रहे, मैं बाद में आया हूँ। आपने तैयार किए हैं, हमें उस तरह का जुनून नहीं है कि तैयारी नहीं हुई तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। अगर तैयारी ना हुई तो हमारे इतने पैसे स्पेंड हो जाएंगे। हम जो भी पूरे पंजाब से दोस्त फोन करे कि हमने टूर्नामेंट बनाया है तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और हिस्सा भी लेते हैं। वाह। हाँ जी, तो ये पूरे पंजाब के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर जानते भी हैं इस बात को। सही। ये होता है एक दूसरे को हौसला अफजाई करना। अगर सब भी जीतने वाले हों तो देखें मेरे ख्याल में जीतता तो एक दो ही है। एक दो ही है। हाँ जी, वो मेरे ख्याल में जिसने जितनी मेहनत की होती है ना वो जीतता है। जिस तरह मैं कहने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करूंगा, अगर मनाया है दुनिया में कबूतर परवरी में तो मैं सलूट पेश करता हूँ उस्ताद खुरम, जो उस्ताद पीर फवाद साहब अमरा उनकी छत पे, उस्ताद खुरम साहब रियली कबूतर परवरी में मैं उनको और उनकी मेहनत को सलूट पेश करता हूँ। माशाल्लाह बड़े तगड़े माशाल्लाह जी। देखे ना रिजल्ट होता है कभी कभी, कभी उनका हमेशा रिजल्ट, हमेशा ही फिगर्स में रहते हैं। उन पहला दूसरा तीसरा तैयार कर रहे हैं, कैसे परफॉर्मेंस लेनी है। बाकी हम सब एक जैसे ही हैं। वेरी सॉरी ब्रदर्स, मैं भी इस प्लेटफॉर्म में काफी साल से हूं, कभी हो गया कभी ना हुआ। उस्ताद खुरम साहब जीत अपने मुकद्दर में लिखवाते हैं माशाल्लाह, बड़ी बात है जी। इतनी मेहनत करते हैं, मुखलस आदमी है वो। ये जी ये सादे मोहतरम ये कलर जीरा निकाला है, ये वो ही मोछे वाले जो पहले दिखाए हैं ना, उनमें से उस्ताद अबू बकर साहब ही बताते हैं कि ये दूसरी या तीसरी जगह पे जाके ये जरूर निकालेंगे जीरे। अच्छा ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जी इन कबूतरों पे बड़ा यकीन है, बड़ा मान है, बड़ी मोहब्बत और बड़ा इश्क है इनसे। और दुआ है कि जिन्होंने हमें दिए हैं अल्लाह पाक उस्ताद गुलजार साहब की मगफरत फरमाए और अबू बकर साहब को हमेशा सलामत रखे, ये कबूतर उनके घर के। माशाल्लाह बड़ी बात है सादे मोहतरम, नहीं तो यही बात सुनिए कि ये मेरे हैं सिर्फ। नहीं ये देखिए उनसे मैं दसवीं जगह जाके बनाए हैं, लेकिन जब बाप उनका है तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ मेरे हैं। सही। हाँ जी माशाल्लाह। ले दोस्त इसका कुंदा चेक करें। और ये वो कबूतर हैं, अभी अगर अबू बकर साहब ही देख रहे हैं तो इनको वो कहते हैं 7 mm, लेकिन यहाँ पे मैं इनको 38 नंबर, मेरे शगिर्द जो हैं उनके ये नज़र से गुजरे हुए हैं। 38 नंबर काफ़ी मशहूर कबूतर हैं, ये भी रात को मस्त वापस आने का उम्मीद रखते हैं। ये मादा है। अच्छा ये इसी के साथ लगी हुई है? जी जी इसके साथ ही। ये देखें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परवाजी इनके बच्चे, यानी कि इक्वालिटी है इनमें, ये इस जोड़े में। अब इनके बहन भाई जो मेरे पास ब्रीड में हैं बिल्कुल यही नस्ल तकरीबन 12 से 14 जोड़े हैं, और डान मोचा वो तकरीबन हमारे पास 50 जोड़े से 60 जोड़े हैं माशाल्लाह।
और यही कबूतर है हमारे पास बस ये बिल्कुल नहीं वो मैं देख रहा हूं और इन्हीं से ही पूरा हो रहा है यानी कि मैंने नहीं देखे कोई फिरोजपुरी नहीं देखे आपके पास बस यही ब्लड लाइन है माशाल्लाह अगर इनसे बढ़ के किसी से मोहब्बत हुई तो रखेंगे वरना ये वो क्या कहते हैं क्या आपके लिए मेरी मोहब्बत काफ़ी नहीं है वाह इन कबूतरों की मोहब्बत हमारे लिए काफ़ी है ठीक हो गया जी और हमारा शौक भी इनसे हो जाता है माशाल्लाह इसलिए किसी नए कबूतर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सही माशाल्लाह आज माशाल्लाह जी उस्मान साहब आपके पास आए हैं क्या कहना चाहेंगे हाँ जी उस्मान साहब आज उस्मान साहब को 10 जोड़े हम गिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसा इंसान है कि बहुत ही मोहब्बत करता है और बेलोस मोहब्बत देख के हमारा भी दिल आ जाता है उस बंदे पे बाकी वो क्या कहते हैं टेम्परेरी लोग जो होते हैं वो जिस चीज के लिए मिलते हैं वो चीज ना मिले तो जल्दी निकल जाते हैं सही मोहब्बत करने वाले रुक जाते हैं और मोहब्बत करने वाला दिल पहचान जाता है ठीक जो रुक गया ये मेरा है तो ये उस्मान साहब की बड़ी बेलोस मोहब्बत है और ये शेखपुरा से हैं 10 जोड़े भी इनको दे रहे हैं माशाल्लाह और शागिर्दी के अलावा इनको इंसानियत कोशिश करेंगे ऐसी सिखाएंगे कि पहले इंसान अच्छे बने बाद में कबूतर परवरी हो माशाल्लाह ये क्या बात है कबूतर आपने सुना भी होगा जिस तरह की डिस्कस हो रही थी हाँ जी माशाल्लाह बिल्कुल जी ले जी ठीक हो गया सादे मोहतरम जी दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए अपनी दुआ में याद रखिए मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब उस्ताद मोहतरम का जिन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया तो अपनी दुआ में दोस्तों ठीक है सब दोस्तों अस्सलाम वालेकुम।